हमारा पर्यावरण और अब अपना टॉपिक रहने वाला ओजोन परत। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद अब हम पढ़ेंगे ओजोन परत या लेयर। ठीक है, अब ओजोन परत क्या होती है? देखो, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन होता है? वायुमंडल होता है। और वायुमंडल भी क्या होता है? बहुत सारे परतों में विभक्त रहता है इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वायुमंडल। ठीक है, अब वायुमंडल यानी ये गैसीय एक क्या होता है? कवच होता है पृथ्वी की चारों तरफ। ठीक, वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें वो होती है सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल की अगली हम परत की बात करें वो हो गई समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होती है? गैसीय परत है। क्या है? एक गैसीय परत है। और कौन सी गैस से मिलकर बनी होती है ओजोन परत? यह है ओजोन गैस से। ठीक है, अगर हम बात करें ओजोन की, इसका फॉर्मूला हो गया O3। यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन की तुलना करें तो ऑक्सीजन में तो O2 यानी दो ऑक्सीजन अणु होते हैं, जबकि ओजोन में क्या होते हैं? तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये तो हो गया ऑक्सीजन का अणु और ये हो गया ओजोन का अणु। तो इसमें तो कितने ऑक्सीजन? दो है और इसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। और भी अंतर होता है, ऑक्सीजन तो क्या होता है? जीवनदायिनी होता है, मगर ये विष होता है, यानी विषैली गैस है। ओजोन क्या है? विषैली है। ठीक है, ऑक्सीजन के विपरीत गुण वाली होती है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत होती है, यानी कि ये क्या है? O3 गैस से मिलकर बनी होती है। अब समताप मंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है? ठीक, ये यहाँ पर क्यों पाई जाती है या ये इसके उपस्थित होने से क्या लाभ होता है? समताप मंडल में क्या होता है, जब सूर्य से कौन सी किरणें आती है? यूवी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों को ये क्या कर देता? रोक लेता, पृथ्वी तक आने नहीं देता, जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी पर जो जीव है वो सुरक्षित रह जाते हैं। अगर ये यूवी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो जीवों में विभिन्न प्रकार की व्याधियां हो जाती है, मनुष्य में त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करती है? ये यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है, ये तो ही बात कि यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन परत की क्या भूमिका होती है, क्या हो गई? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओजोन बनती कैसे। समताप मंडल में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कुछ जलवाष्प भी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो ओजोन है उसके निर्माण के लिए यूवी किरणें ही भाग लेती है। ओजोन के निर्माण में यूवी किरणें ही भाग लेती है। ये क्या करती है? यूवी किरणें ऑक्सीजन को पराबैंगनी किरणें तोड़ देती है, यानी दो परमाणु में टूट गया ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, जो टूटा हुआ ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ या अणु के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है, ओजोन बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से यूवी किरणें क्या कर रही है? ओजोन निर्माण में भाग ले रही है, इसके कारण से ये पृथ्वी पर आ नहीं पाती या पहुंच नहीं पाती। ठीक है, इस प्रकार से ओजोन का निर्माण भी हो जाता है और यूवी किरणें यहाँ पर रुक भी जाती है। ठीक है, अब बात आ रही है कि लगातार समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसका सघनता या उसकी कमी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया? ओजोन परत लगभग नष्ट सी हो रही है कुछ स्थानों पर। ठीक है, तो क्या कारण है कि ओजोन परत क्षयित हो रही है या अपक्षय हो रहा है? ओजोन परत का अपक्षय क्यों हो रहा है? देखो, पृथ्वी से कौन सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, कहां से होता है उत्सर्जन? रेफ्रिजरेटरों से।
ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीजर से क्या होता है, या अग्निशामकों से क्लोरोफ्लोकार्बन उत्सर्जित होता है। ये क्लोरोफ्लोकार्बन ऊपर जाता है और ओजोन परत को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ओजोन परत का अपक्षय होने का मुख्य कारक क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जब पृथ्वी से उत्सर्जित हो रहा है ज्यादा मात्रा में। किस प्रकार से नष्ट करता है वो देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यहां से ओजोन परत के पास जाता है, अगर हम इसका उदाहरण लें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक उदाहरण लिया हमने। ये ऊपर जाके क्या होता है, टूटता है अपने मुक्त मूलकों में। ये टूट गया CF2Cl मुक्त मूलक में और क्लोरीन मुक्त मूलक। जो क्लोरीन मुक्त मूलक होता है वो ओजोन के साथ जुड़ता है और ये क्या कर लेता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, और टूम तोड़ दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ओजोन का विघटन हो जाता है और इस प्रकार से क्या हो रहा है, ओजोन लगातार कम होती जा रही है। यानी CFC को अगर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में समता मंडल से ओजोन लगभग बहुत कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यूवी किरणें लगातार पृथ्वी पे आएगी और हमको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, इसके लिए देखो बहुत सारी हमारे सम्मेलन होते रहते हैं। तो 1987 में एक सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्या कहा गया कि 1986 तक जो CFC का उत्सर्जन था वहीं तक इसको सीमित कर दिया जाए। यानी कि 1986 में जितना CFC उत्सर्जन हो रहा था उससे ज्यादा अब होना नहीं चाहिए, इसको यहीं तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है, ताकि ये प्रदूषण कम हो सके। इसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, वो हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन। में इसमें क्या कहा गया कि कार्बन का CFC का उत्सर्जन कितना हो, 50% से भी कम होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया सभी के लिए। ठीक है, तो कुछ सम्मेलन या कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से CFC के रोकथाम के लिए हमें कदम उठाने पड़े थे। इसके बाद एक और कहा, इसके बाद कहा गया कि हमें ऐसे रेफ्रिजरेटरों का या अग्निशामकों का उपयोग करना चाहिए जिनसे क्या हो, CFC का उत्सर्जन बहुत कम हो। ठीक है, पर्यावरण को कौन प्रभावित करता है, तो सबसे ज्यादा हम अगर देखें तो वो हमारे द्वारा उत्पादित कचरा, हमारे द्वारा उत्पादित कचरा पर्यावरण को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें कचरा क्या होता है, हमारे द्वारा अनुपयोगी बचा हुआ पदार्थ ही क्या कहलाता है, कचरा कहलाता है। और इस कचरे या पदार्थ की बात करें तो दो प्रकार का ये हो सकता है, कौन कौन सा, जैसे बात करें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया से जो मिलकर बनाओ, और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ से मिलकर बना हो। ठीक, अब बात आती है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि अगर साग सब्जियों का कचरा या पेड़ पौधों की पत्तियां या कुछ ऐसे कागज वागज, ये सब पदार्थ कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और जिस प्लास्टिक कांच, ये क्या होता है, लंबे समय तक पर्यावरण वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, यानी कि इनका विघटन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपने एंजाइमों से विघटित हो जाते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते, वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हो गए, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु हो गए, कवक हो गए। ठीक,
ठीक है, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्त्रावित एंजाइमों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हो गया साग सब्जियों का कचरा, ठीक, यानी कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इधर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एंजाइमों से अपघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हम बात करें प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी और कांच, ये अपघटित नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं क्या ये भी पर्यावरण को कुछ प्रभाव डालते हैं, तो हम बात करते हैं इनके प्रभाव की, ये पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव देखते हैं दोनों का। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये पदार्थ अपघटित होते हैं तो इनसे बहुत मात्रा में रिसैली या कुछ दूसरी कैसे भी ज्यादा मात्रा में निकलती रहती है, जिसके पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनके अपघटन से गैसें निकलती है जो क्या करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अगला प्रभाव देखें, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो जब अपघटित होते रहते हैं उस दौरान ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से वहां पर जो सूक्ष्म जीव पनप रहे थे वो कम हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा के कारण उनका जीवन यापन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन से कमी से सूक्ष्म जीव कम हो गए, कम होने से क्या होगा, अपघटन प्रक्रिया कम होने लग जाएगी, यानी अपघटन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से सूक्ष्म जीव का जीवन यापन प्रभावित होता है, जिससे अपघटन प्रक्रिया भी रुक सकती है। अगला प्रभाव देखिए, अब जब जैव निम्नीकरण पदार्थ वातावरण में बिखरे पड़े रहते हैं तो वहां पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव या मक्खियां पनपते हैं, तो ये मक्खियां जब वहां से उड़कर भोजन पे आगे बैठ जाती है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव अपने साथ ले आती है, जिससे भोजन क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है और हम रोग के शिकार हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मक्खियों से यहां से सूक्ष्म जीव भोजन पर लाने से
रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किस प्रकार से पर्यावरण प्रभावित करते हैं। देखो पर्यावरण में लंबे समय तक प्लास्टिक पॉलिथीन डीडीटी या कांच पड़े रहते हैं, तो ये क्या करते हैं लंबे समय तक ये पर्यावरण को क्या करते हैं प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अपघटन योगा पड़ा रहेगा तो पर्यावरण से प्रभावित होता रहता है। दूसरा जो डीडीटी है, अगर हम डीडीटी का वातावरण में उपयोग होता है तो ये मिट्टी में चले जाते हैं, तो कुछ समय बाद पुनः पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये पेड़ पौधों में संचित हो जाते हैं और ये उस पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो डीडीटी जैसे पदार्थ जल के माध्यम से पौधों में पहुंच जाते हैं। जिससे उनको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं और ये पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। कचरा किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है जो अभी हमने देखा, तो हमें क्या करना चाहिए इस कचरे का एक उचित तरीके से या उचित प्रकार से या उचित ढंग से क्या करना चाहिए प्रबंधन करना चाहिए, ताकि क्या हो पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो सके। तो हम अब पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरा प्रबंधन, हम कचरे को किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से निपटारा कर सकते हैं वो देखते हैं, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित ना हो सके। तो देखो हमें क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए, अभी हमने देखा कि कचरा दो प्रकार का हो सकता है, एक तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अजैव निम्नीकरणीय। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले कचरे में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम क्या करना चाहिए, हमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अजैव जो पृथक हुआ है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो पृथक हुआ है उसको पुनः चक्रण के लिए हमें भेजना चाहिए, ताकि उसका दोबारा उपयोग हो सके। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का को पुनः चक्रण के लिए भेजना चाहिए। ठीक है, ये तो ही बात अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो अलग कर रहे थे उसका क्या करना चाहिए। इसके बाद अगर हमारे पास क्या रह जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी रह जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी अगर रह जाता है तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम कर सकते हैं खाद या ह्यूमस बनाने में, खाद या ह्यूमस बनाने में, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं पौधे की वृद्धि के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाएगी और पौधों को पोषक भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग कर लेना चाहिए, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को छाटने के बाद पुनः चक्रण के लिए भेज देना चाहिए, जिससे कोई दूसरी उपयोगी वस्तु बन सके। इस प्रकार से पर्यावरण में लंबे समय तक पड़ा भी नहीं रहेगा और उपयोग में भी आता रहेगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को हम खाद और ह्यूमस बनाने में कर सकते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ वृद्धि हो जाती है, या फसलों में अगर डालते हैं तो फसल भी अच्छी हो सकती है। अंत में हम आते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, हमें जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय में से सिर्फ जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का ही उपयोग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, तो पहला हम क्या कर सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए।
ज्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि क्या वो आसानी से अपघटित हो सके और पर्यावरण को कम प्रदूषित कर सके। ठीक है, जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए, अगर हम प्लास्टिक डिस्पोजल के स्थान पर कागज के डिस्पोजेबल का उपयोग करना चाहिए, तो प्लास्टिक के डिस्पोजल पर्यावरण में ऐसे कैसे पड़े रहेंगे और वो प्रदूषित करते रहेंगे। अगर कागज के डिस्पोजल का उपयोग करेंगे तो ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं और जिससे पर्यावरण प्रदूषित बहुत कम होता है। तो हमें प्लास्टिक के डिस्पोजल के स्थान पर किसका उपयोग करना चाहिए, कागज के डिस्पोजल का भी उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ तो कहते हैं कि मिट्टी के डिस्पोजल का भी उपयोग करना चाहिए, मगर मिट्टी उर्वरक मिट्टी का उपयोग ज्यादा होने से की बजाय हम क्या कर सकते हैं, कागज डिस्पोजल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं तो हमें ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए जो आसानी से अपघटित हो, यानी जैव प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। दूसरी हम बात करें जैव प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए ताकि उसका आसानी से अपघटन हो सके। जैसे हम बात करें पॉलीलेक्टाइड क्या, आलू या गेहूं के स्टार्च को लैक्टिक अम्ल एवं जीवाणु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, अपघटन कर पॉलीलेक्टाइड बनाया जाता है। पॉलीलेक्टाइड क्या होती है, एक जियो प्लास्टिक है। जियो प्लास्टिक का मतलब होता है जो आसानी से अपघटित हो जाए वातावरण। ठीक है, तो पॉलीलेक्टाइड जियो प्लास्टिक का उत्पादन कैसे होता है, आलू या गेहूं से स्टार्च प्राप्त करते हैं, फिर स्टार्च में क्या मिलाते हैं, लैक्टिक अम्ल व जीवाणु मिलाते हैं, जिससे हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है, पॉलीलेक्टाइड जैव प्लास्टिक प्राप्त हो जाती है जिससे आसानी से अपघटन हो सकता है, यानी इसका हमें ज्यादा उपयोग करना चाहिए। तीसरा हम बात करें, ऐसे हमें रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करना चाहिए जिससे CFC का उत्सर्जन ना होता हो। ऐसे रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करना चाहिए जिनसे CFC का उत्सर्जन कम हो, जिससे पर्यावरण क्या होगा, कम प्रदूषित होगा। ये हुई बात इस चैप्टर की, हमारा पर्यावरण।